भारतीय वायुसेना के इतिहास में 8 अक्टूबर 2023 एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर वायुसेना प्रमुख नए वायुसेना ध्वज का अनावरण करेंगे। इतिहास में पीछे जाएं, तो RIAF ध्वज में ऊपरी बाएं कैंटर में यूनियन जैक और फ्लाई साइड पर RIAF राउंडेल लाल सफेद और नीला शामिल था। स्वतंत्रता के बाद निचले दाएं कैंटर में यूनियन जैक को भारतीय ट्राइकलर और RAF राउंडल्स को IAF ट्राइकलर राउंडेल के साथ प्रतिस्थापित करके भारतीय वायुसेना का ध्वज बनाया गया था। भारतीय वायुसेना के मूल्यों को बेहतर ढंग से प्रकट करने के लिए अब एक नया IAF ध्वज बनाया गया है। अब एनसाइन के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायुसेना क्रेस्ट को शामिल करने से प्रतिबिंबित होगा। IAF क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द है। अशोक के नीचे एक हिमालयी ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं, जो भारतीय वायुसेना के युद्ध के गुणों को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी ईगल को घेरे हुए है, जिस पर लिखा है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृश दीप्तम हिमालयी ईगल के नीचे देवनागरी के सुनहरे अक्षरों में अंकित है। IAF का आदर्श वाक्य भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है और इसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छूना।